अगेन रिवाइज्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज फूड बाय विच एग्जांपल. हम प्लांट्स के किस पार्ट को खाने के रूप में यूज करते हैं, हम उनके एग्जांपल देना है. ओके, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. वी ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज रूट ऑफ कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटेटो एंड बीट रूट. स्टेम्स ऑफ सम प्लांट are also eaten such as stems of sugar cane, potato, ginger and onion. We eat leaves of some plant. For example, cabbage, spinach, fenugreek, chota dhaniya and lettuce. We eat flowers of some plants like flowers of cauliflower, broccoli, banana and crop. Seeds of some plant are also eaten by us. For example, rice, wheat, mung. Okay? Apart from these, we eat fruits of some plants such as mango, banana, brinjal, tomato, etc. हमसे पूछा जाता है हम प्लांट के किन किन पार्ट्स को खाने के रूप में यूज करते हैं, हम उनके एग्जाम्पल लिखा था. जैसे हमने लिखा था कि हम प्लांट्स के हर एक पार्ट को खाने के रूप में यूज करते हैं. जैसे हम प्लांट्स की रूट खाते हैं, जैसे रूट्स में क्या खाते हैं, हम कैरोट खाते हैं, रेडिश, ऑनियन खाते हैं. हम प्लांट के स्टेम मीन्स तने को भी खाते हैं, जैसे शुगर केन, पोटेटो, ऑनियन. हम प्लांट्स की पत्तियां भी खाते हैं, जैसे कैबेज, स्पिनेच, फेनुग्रीक. इसके अलावा हम प्लांट्स को फ्लावर्स के रूप में भी खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना, क्लोव. और प्लांट्स के हम बीजों को भी खाते हैं, जैसे राइस, बीट, मूंग. इन सब के अलावा हम प्लांट्स के फ्रूट भी खाते हैं, बनाना, मैंगो. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स एंड हेल्पफुल एज कंज्यूमर्स इन स्पेन. हमसे पूछे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर्स के रूप में जानते हैं. एंड और जो हर्बिवोरस एज कंज्यूमर, बट जो हर्बिवोरस होते हैं उन्हें कंज्यूमर के रूप में जानते हैं. एक्सप्लेन करना होगा. सो प्लांट प्रोड्यूस फूड डेट और अदर ऑर्गेनिज्म यूज टू द फूड चेन, देयरफॉर प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. ऑन हर्बिवोरस एनिमल ईट प्लांट डायरेक्टली, सो हर्बिवोरस एनिमल आर द कंज्यूमर. जो प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म के लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं फूड चेन के अंदर. प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर, तो प्लांट को हम प्रोड्यूसर्स के रूप में जानते हैं. ओनली हर्बिवोरस एनिमल्स, बट जो हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं वही क्या खाते हैं, प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं. क्योंकि हर्बिवोरस क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं. सो हर्बिवोरस एनिमल आर कॉल्ड कंज्यूमर, तो हर्बिवोरस एनिमल्स को क्या कहते हैं, हम कंज्यूमर कहते हैं. ओके, नॉलेज डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर, फर्स्ट नंबर इज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. क्या कहा गया है, ऑटोट्रॉप्स कहा गया है. व्हाइल ह्यूमन एंड एनिमल डिराइव फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, बट जो ह्यूमन्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना बाहर से प्राप्त करते हैं, आउटसाइड से प्राप्त करते हैं. सच इज प्लांट एंड अदर एनिमल्स, किसके थ्रू प्राप्त करते हैं वो, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे और जंतु के थ्रू प्राप्त करते हैं वो अपना एनिमल सॉरी खाना. तो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, हेटरोट्रॉप्स कहा गया है. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा गया है, बट जो ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बाहर से प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहा गया है. सेकेंड, कार्निवोरस एंड पैरासाइट्स. एनिमल्स डिट फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल का क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं. जैसे टाइगर्स, लायंस, स्नेक्स, वॉल्व एंड फॉक्स. ओके, वेयर एज पैरासाइट आर स्मॉल एनिमल्स. अब जो पैरासाइट होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर फूड. जो क्या होते हैं, दूसरे एनिमल्स पर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज, फ्लाइज,
होम्स राइस एक्सेट्रा। राइस मतलब होता है जो हमारे सेल में आती है, वो जो क्या करती है हमसे अपना खाना प्राप्त करती है। किस प्रकार करती है, वो हमारे सेल में रहती है, हमारा ब्लड लेती सब करती थी, जूस देती, जिससे क्या होता है उन्हें खाना पोषण मिलता रहता है, जो हमारी बॉडी में से जो न्यूट्रिएंट्स सब उसे मिलते जाते हैं, तो वो क्या करती है इस प्रकार हमारा खाना अपना खाना लेती रहती है। अब मॉस्किटोज सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। अब जो मॉस्किटोज होते हैं वो भी क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स से ब्लड चूसते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उनकी इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो ब्लड को चूसते हैं। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ रिवाइज। फिफ्थ रिवाइज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच फूड कैन बी प्रिजर्व। खाने को प्रिजर्व करने की कौन कौन सी डिफरेंट वेज है, कौन कौन से रास्ते हैं जिन्हें हम खाने के द्वारा खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट नंबर, डिफरेंट वेज टू प्रिजर्व फूड। फूड कैन बी रेफ्रिजरेटेड और फ्रीजन टू अवॉइड बैक्टीरियल ग्रोथ और अटैक। देखिए, फूड जो खाना होता है उसे हम रेफ्रिजरेटर मतलब अपने फ्रीज में रख सकते हैं, फ्रोजन कर सकते हैं, ताकि जो अवॉइड जो बैक्टीरिया उस पर ग्रोथ होने वाले होते हैं वो उस पर नहीं ग्रो होता है और ना ही होते हैं वो खाने पे अटैक करते हैं। ओके, सेकेंड, ड्राइंग प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। खाने को खराब होने से बचाने के लिए उसको सूखा सकते हैं हम। सर्टेन फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व बाय जस्ट ड्राइंग देम इन द सन। कुछ कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको हमें पूरे होल ईयर चलाना रहता है, तो उन्हें क्या करते हैं हम धूप में देख रख कर उन्हें सुखा कर उन्हें यूज कर सकते हैं, तो इस प्रकार भी उन्हें बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। थर्ड क्या कर सकते हैं, फूड मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लोज्ड कंटेनर्स। अधिकतर खाने को हमें क्लोज्ड कंटेनर में मतलब जो बर्तन होते हैं या जो भी कुछ डिब्बी होती है या कुछ भी कंटेनर होता है उसे क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए, कभी भी खुले कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स फ्लाइज एंड इंसेक्ट, जिससे क्या होता है हमें जर्म्स से इंसेक्ट प्रोटेक्ट करती हैं। फ्लाइज जो मक्खियाँ होती हैं खाने को उससे प्रोटेक्ट होता है, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट होता है। ओके, सो स्टूडेंट डेट्स वॉट नाउ विल कंटिन्यू रिविजन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।